तू इधर क्या कर रही है? सरप्राइज। ठीक है, मेरे पीछे पीछे करोल बाग तक आ गई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक और वीडियो में गाइस आपका स्वागत है। तो आज के दिन हम जा रहे हैं भाई बजाज के सर्विस सेंटर, बिकॉज हमारी रिसेंटली एक राइड आने वाली है काफी लंबी। उस चीज में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि बाइक में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं मेरे को एक डाउट लग रहा है, इसके आरपीएम अप डाउन हो रहे हैं, यानी स्टेबल नहीं है आरपीएम, और बाइक चलते चलते बंद हो जाती है गियर के अंदर में, तो वो एक सही बात नहीं है। मान लो अगर मैं कॉर्नरिंग वगैरह कर रहा हूँ और वहीं से एकदम झटके से बाइक बंद हो जाए, बहुत बुरी तरह गिरूंगा, और एक बार गिर भी चुका हूँ इसी चक्कर में। यानी इसमें क्या हुआ, इसके थ्रोटल बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है, इंजन तक फ्यूल प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। इतनी रिक्वायरमेंट होती है ऑन द स्पॉट, या तो ये ईसीयू की प्रॉब्लम है या फिर थ्रोटल बॉडी में कुछ है। हालांकि मैंने लास्ट सर्विस पे थ्रोटल बॉडी वगैरह सब चीज क्लीन करवा दी थी, उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है, तो ऐसा क्यों? तो वही चीज हम जा रहे हैं पूछने सर्विस सेंटर में, देखते हैं क्या बोलते हैं। जैसे मैं रेस दे रहा हूँ ना, कम से कम 2 सेकंड बाद ही एकदम पुश आता है बाइक के अंदर, इंस्टेंट नहीं आ रहा जो इंस्टेंट आना चाहिए। यही दिक्कत थी, बाकी तो यार राइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, कुछ कह नहीं सकते। मेरा सीन ये हो गया भाई, मेरा फोन हो गया खराब, उसकी डिस्प्ले खराब हो गई मेरे फोन की, तो मैंने उसको सर्विस सेंटर में दे दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 6-7 दिन का टाइम लगेगा। अगर अब आज है ट्यूसडे, अगर वो सैटरडे तक मेरा फ़ोन अगर मिल जाता है तो मेरा प्लान हो जाएगा फिक्स। अगर नहीं मिला बाय चांस, बिकॉज हमें 15 तारीख को मॉर्निंग में निकलना है, यानी 15 अगस्त मॉर्निंग में, तो संडे और मंडे की उनकी छुट्टी रहती है, तो लास्ट 13 तारीख तक होप है कि वो फ़ोन मेरे को मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो मेरा प्लान वही कैंसिल हो जाएगा, तो डीजी भाई को अकेले ही जाना पड़ेगा, या फिर वो किसी और को ले जाएं, कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल ये सीन बन रहा है, बाकी होप फॉर द बेस्ट। और बिना फोन के यार कंटेंट रिकॉर्ड हो नहीं पाता है, सही बताऊं तो फोन तो चाहिए ही चाहिए, चीज के लिए वो फोन लिया है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या। अपनी किस्मत तो इतनी खराब है ना कि क्या ही बताऊं, इतनी मेहनत कर चुका हूं मैं चैनल पे, ऑलमोस्ट 512 वीडियोस हो चुकी है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइबर्स रेट, व्यूज रेट देख सकते हो कि किस हिसाब से चल रहे हो। भाई बंदा मोटिवेट ही नहीं हो पाता वीडियो बनाने के लिए, कितनी कोशिश कर लो, कितनी ट्राई कर लो। कोई कोई बंदे होते हैं यूट्यूब पे ऐसे एकदम उठ जाते हैं, और वो उठते चले जाते हैं, उनका ग्राफ ऐसे जाता है, और मेरा ग्राफ ऐसे जाता है फिर डाउन जाता है, फिर ऐसे जाता है फिर डाउन जाता है, यानी वो पुश मिल नहीं पा रहा है चैनल को। बीच में मिला था कुछ टाइम के लिए, मुश्किल से 1 महीने के लिए थोड़ा उठा, फिर डाउन चला गया, और डाउन ही जा रहा है अब दोबारा से वापस। तो ये सीन चले जा रहा है, इतनी वीडियोस होने के बाद भी मज नहीं आ रहा, क्या करे क्या नहीं करे, दूसरा चैनल खोल ले। अब देखते हैं यार क्या होता है, कुछ सोचना तो पड़ेगा, या तो मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है। कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, अगर आपका भी चैनल तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बाकी तो सब बढ़िया है, वीडियोस वायरल नहीं हुई मेरी काफी टाइम से, आई थिंक अप्रैल से मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो, उससे पहले हो रही थी इसलिए चैनल उठ रहा था। अब कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आ रही तो जिसमें नई ऑडियंस ऐड ऑन हो, बिकॉज नई ऑडियंस का ऐड होना बहुत जरूरी है चैनल के लिए। अगर आपकी हर महीने में 1-2 वीडियो वायरल हो रही है तो मतलब आपका चैनल ओके रिपोर्ट चल रहा है। महीने 2 महीने में कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा, हर वीडियो पे व्यूज डाउन ही जाते रहेंगे। तो ये सीन है भाई यूट्यूब का, क्योंकि हमारी वीडियोज में भाई पैसे खर्च होते ही है, ना पैसे खर्च करे हम वीडियो बना ही नहीं सकते, तो पेट्रोल तो लगता ही है यार डेली का मान के चलो 250 रुपये का पेट्रोल तो मान के चलो, अगर हम छोटी सी भी राइड करते हैं इधर उधर। बाकी बात पैसों की नहीं है, लेकिन मेहनत भी तो होती है यार साथ साथ। तो गाइस बाइक तो मैंने दिखा दी है, बोले तो बाइक में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो शायद मेरा ही भ्रम लग रहा था, शायद बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके रिपोर्ट है। बाकी तो चैन वैन लूप करवा लिया मैंने, चैन बिल्कुल सूखी पड़ी थी और लूज भी हो रही थी। काम करते हैं, अब चलते हैं सीधा करोल बाग, पाम रेस्ट ले लेते हैं 2-3। से क्या होगा भाई, राइड में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बिना पाम रेस्ट के गया था तो भाई ये बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं लॉन्ग राइड। तो जी भाई लोग, ये रहा हमारा पाम रेस्ट, थोड़ा आराम मिलेगा हाथ को, राइजर्स और मिल जाए ना यार इसके तो मज़ा सा आ जाए।
राइजर्स के साथ एक दिक्कत आएगी कि इसकी ना क्लच केबल चेंज होगी, लॉन्ग वाली लगेगी फिर। वो लॉन्ग वाली केबल सिर्फ जाना के साथ आती है, जाना का कुछ 2300 रुपये का राइजर आता है। मैं सोच रहा हूँ वही लगवा लूँ, और जाना पे भरोसा भी है भाई, कहीं टूटेगा नहीं, धोखा नहीं देगा, क्योंकि जितना भी जोर आता है वो हैंडल के ऊपर ही आता है जब ऑफ रोड वगैरह करते हैं अपन। मैं नहीं चाहता कि मेरा कुछ उल्टा सीधा सीन हो जाए, ट्रस्टेड ब्रांड ही लो। बाइक के कोई भी पार्ट हो ना, मेजर पार्ट, वो ट्रस्टेड ब्रांड से ही लगवाओ, अदरवाइज लोकल मत लगवाओ। क्रैश गार्ड मेरा जाना का लगा हुआ है, बहुत बार बाइक गिर चुकी है लेकिन भाई एक सिंगल स्क्रैच नहीं लगने दिया बाइक को। तू इधर क्या कर रही है? सरप्राइज। ठीक है, मेरे पीछे पीछे करोल बाग तक आ गई हैं? चलो कहाँ? हेलो हेलो किधर जाना है? वहाँ पे, वहाँ तक लिफ्ट चाहिए। बेफालतू की, तू चोर निकली तो क्या खाएगी खाना? चल बैठ आराम से। सलो, क्या बोल रही है? सलो या ओ, कहाँ पे? ये तो बस वाले सारे देख ले, अब तो और देखेंगे ये वो बोलेंगे ओ क्या खाने के लिए खाना। हाँ क्यों? ओके आपको भूख क्यों लगी है? मैं खा लूंगा बाद में घर जाके, अगर लगे तो खा लो। नहीं कुछ पीना है? ये नए जूते पहन के आई है, अब ये रेगुलर पहनने तेरे को, समझ गई? हाँ अच्छा कैरी टट्टी आने लगी, खाऊंगा तो बहुत बढ़िया है ना। हाँ हाँ घर भी ना खाऊं जाके? तेरे में क्या दिक्कत हो गई? तेरे को काला करना है? हाँ? काला पेंट लाया हूँ मैं बाइक को करने के लिए, आया हूँ टायर को। बता ना इधर चलना है, इधर इसमें क्या क्या मिलता है? रोड है ये, रोड पे ही चलते हैं इतनी तेज। लो जी इसको ड्रॉप करते हैं फिर निकलते हैं। चल निकलो यहाँ से, देख वो हो रहा वो लेकर आ सोडा। ठीक है बीप ऑन करना पड़ेगा, मैंने बीप ऑफ कर दिया ना गोप्रो का, तो समझ ही नहीं आता कि कब को क्या कैमरा ऑन हो गया। तो गाइस आज की अगर वीडियो थोड़ी सी बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्रे करना कि भाई मेरा फ़ोन मिल जाए यार राइड से पहले, ताकि मैं राइड कर पाऊँ भाई ये वाली कश्मीर, वो भी अपने डीजी भाई के साथ में। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और ये राइड पे जा पाता हूँ मैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसी दिन राइड हमारी शुरू हो रही है, देखते हैं क्या होता है।